आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके दांतों में कैविटी लग गई है तो कौन से दांतों को बचाया जा सकता है, किस टाइप के दांतों को बचाया जा सकता है, किस टाइप के दांतों को नहीं बचाया जा सकता है। दोस्तों देखिए, आप देखिए, इन दोनों दांतों में कैविटी लगी हुई है, एक में बहुत कम कैविटी है, एक में बहुत ज़्यादा कैविटी हो गई है। देखिए दोनों दांत तो ख़राब हो गए, लेकिन जो छोटा वाला कैविटी लगा हुआ है इसमें, इस दांत को बचाया जा सकता है। इसका जो है RCT किया जाएगा। RCT करने के बाद जो है डेंटल डॉक्टर के द्वारा RCT करने के बाद इस दांत को जो है बचाया जा सकता है। लेकिन जो बड़ा वाला इस दांत में जो है ज़्यादा बड़ी कैविटी हो गई है, तो इस दांत को बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि कैविटी ज़्यादा होने से दांत उतने दूर का एकदम ख़राब हो जाता है। देखिए इसमें क्या है कि बहुत छोटा कैविटी है, इसलिए इसको बचाया जा सकता है। इसका क्या करना पड़ेगा, RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो कि डेंटल के डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है आर्टिफिशियल नस का इलाज किया जाता है, इसमें जो है आर्टिफिशियल नस को डाला जाता है, और जो इसमें नस जो ख़राब होती है उस नस को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। दोस्तों जब कैविटी लग जाती है दांत ऊपर से, अगर हल्की कैविटी है तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर दांतों में पूरा कैविटी लग गया है तो दांत क्या होता है कि जो बोन होता है वह बोन जो है एकदम बेकार हो जाता है। फिर उस पर क्या होता है कि RCT करने के बाद एक इस पर कैप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस पर कैप नहीं लग पाता है। इस वजह से जो है जो कम दांतों में, अगर जिस दांतों में कम कैविटी है तो उसको जो है बचाया जा सकता है, उस दांतों को जो है अच्छा बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जिन दांतों में बहुत ज़्यादा कैविटी हो जाती है उन दांतों को बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर उसमें क्या होता है कि आपके जो दांत होते हैं बिल्कुल निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें छोटी कैविटी है, इन दांतों में यहाँ पे ट्रीटमेंट भी किया गया है। ट्रीटमेंट का देखिए यहाँ पे बिफोर यहाँ पे जो ख़राब हो गया था, फिर इसमें जो है फिर आफ्टर में देख सकते हैं इसको कैसे बचाया गया RCT करके रूट कैनाल। कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटा कैविटी होता है, बहुत छोटा कैविटी होने से वहाँ पे जो होता है कि केवल थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के बाद उसमें मसाला भर दिया जाता है, जिसको हम लोग जैसे सीमेंट बोलते हैं, इसमें दांत का एक सीमेंट आता है, इसको मसाला कहते हैं हम लोग। इसको जो है डेंटल डॉक्टर द्वारा जो है ट्रीटमेंट करके भर दिया जाता है, जिससे कुछ समय के लिए 2-4-5 सालों के लिए दांत आपके सुरक्षित हो जाते हैं और कैविटी से छुटकारा मिलता है, जिससे पेन भी नहीं होता है। लेकिन जब कैविटी ज़्यादा हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में, अगर इसमें कैविटी है इसमें क्या है कि हल्का फुल्का मसाला भरा जा सकता है साफ़ सफाई करके, लेकिन अगर कैविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो गई है, तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कैविटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको जो है फिर उसको दांत को निकलवाना ही सही पड़ता है। इसलिए अगर आप देखें जब भी आपके दांतों में हल्की फुल्की कैविटी हो तो उसको रूट डेंटल के डॉक्टर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उस दांतों को बचाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने दांतों की साफ़ सफाई करके जो है अपने दांतों को ऐसे ही चमकते हुए बेहतरीन दांत बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।